हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में जय हिंद जय भारत सभी को। इस वीडियो को भारत के हरेक कोने में पहुंचाइएगा। जी हां, और मैं व्यूज के लिए इस वीडियो को मैं नहीं बना रहा हूं। आज मैं वैसे लोगों का खुलासा करने जा रहा हूं जो लोग पैसे के लिए, व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जी हां, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि छोटू आरती मनु और उसके परिवार वाले शादी, मीडिया वाले सवाल, पत्रकार। अरे भाई, माथा पक गया वीडियो देख देख कर। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, देखिए अभी छोटू और आरती वाला जो विवाद चल रही है, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले छोटू की जो फ्रेंड थी यानी कि आरती की शादी हो गई किसके साथ? मनु के साथ। मनु या अनु ऐसी है, मनु के साथ। तो मीडिया वाले अब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि आप शादी क्यों कर लिए, आप तो बोले थे कि हम शादी नहीं करेंगे, अब फिर शादी क्यों कर लिए। तरह तरह की खोद खोद कर एकदम एक एक सवाल को एकदम पूछ रहे हैं। अरे भाई, कोई ईश्वर तो नहीं है कि हर एक सवाल का जवाब उसके पास होवे करेगा। अगर उसमें से अगर एक सवाल का अगर जवाब नहीं दे पाई तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं आरती गलत है, आरती के चक्कर में ये सब हुआ है। अरे मीडिया वाले, आप लोग ये सुनिए, चंद व्यूज के लिए ना, चंद पैसों के लिए आप लोग जो है ना क्या करते हैं, किसी के इज्जत के साथ की खिलवाड़ करते हैं आप। हाँ, आप ये हमें बताइए ना सारा, कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि किसी का पति मर जाए और वो शादी ना करे, पूरा उम्र ऐसे ही बिता ले, कहीं पे है लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो आप हमको बताइए, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियो से सहमत अगर होइएगा ना, तो वीडियो को पूरा भारत के हर एक कोने में शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखा हूँ छोटू और आरती वाला और मनु वाला शादी को लेकर। अरे भाई, जितना के शादी नहीं हुआ उतना के आप लोग उसको जीना हराम कर दिए हैं आप लोग। कुछ मीडिया वाले, चंद मीडिया वाले उसको परेशान कर दिए हैं आप लोग, चैन से जीने नहीं दे रहे। हर एक तरह का एनी टाइम आप लोग पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे पे, आरती जी आप बताइए आप शादी कर लिए है ना, आप तो बोले थे कि शादी नहीं करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे। अरे मीडिया वाले भैया, आप लोग जो है ना क्या सोच रहे हैं, व्यूज के चक्कर में क्यों ये सब करते। अरे भाई, शादी हो गया, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, आप लोग बधाई दीजिए, आप लोग लंबी उम्र रहने के लिए दुआएं दीजिए। तो आप लोग परेशान कर रहे हैं, आप लोग तो जीना हराम कर दिए उन लोगों का। ये बताइए, अरे शादी कर ली अच्छी बात है। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि पहले तो आरती बोली थी कि हम शादी नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा नीचे कमेंट में, अगर आपका जो चीज़ प्रिय लगता हो, ध्यान से तो सुनिएगा इस वीडियो को, अगर जो चीज़ आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता होगा और आप उसको बहुत ज़्यादा जान से भी ज़्यादा चाहते हो, और वो चीज़ अगर अचानक अगर खो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, आप क्या करोगे? अब उस समय आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए आपका ये चीज़ खो गया है, आप कैसा रहना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा, तो वो क्या जवाब देगा या आप क्या जवाब दीजिएगा, ये हमको बताइए। आप यही ना कहेंगे कि हमारा एक बहुत ही बड़ा कीमती चीज़ था जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं, वो हमसे खो गया। उस समय आपको पूछा गया कि आप शादी कीजिएगा, तो कोई भी आदमी बोलेगा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि भावुक उस समय इमोशन रहता है ना। आप इंसान है, मानव है, तो मानव की इमोशन को आप समझिए ना, मतलब उसकी सोच क्या है। आप इंसान है तो उसकी फीलिंग्स के अंदर में दिल की आत्मा क्या कर रही होगी उसको आप समझिए। अगर उस समय भावुक होकर कह दी तो ज़रूरी है कि वही होने वाला है? नहीं भैया, कम से कम आप लोग चैन से जीने दीजिए और सही से रहिए। अगर व्यूज अगर बढ़ाना हो तो सही न्यूज बताइए ना लोगों को। क्यों आप लोग एकदम परेशान किए हुए हैं कि छोटू आरती की शादी हो गई मनु के साथ, गलत की, अब बताइए। और उस बार बार आप लोग पूछने जाते हो, आप लोग बार बार एकदम उत्साहित करते हो, डिप्रेशन में डालते हो आप लोग। अगर डिप्रेशन में आकर के खुदा ना खास्ते अगर वो अगर कुछ कर लेगी तो फिर आप लोग का जवाब देना पड़ेगा। ये समझ जाइए, आप लोग का फिर जवाब नहीं देना पड़ेगा। बताइए, अरे हो गया शादी, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, बधाई दीजिए कि सदा सुहागन रहे, अच्छी रहे, सदा सलामत रहे, ये रहे। और आप लोग व्यूज के चक्कर में चले जाते हैं माइक लेकर के, देखते हैं कि भाई उधर व्यूज आने का अच्छा फायदा है, चलो उधर चलते हैं, छोटू आरती वाला विवाद में चलते हैं, एक एक सवाल पूछेंगे। और आप लोग इतना सवाल खोद खोद के पूछते हो, जरा सा रहम कीजिए आप लोग। बताइए,
तो हो गया, अच्छी बात। अब उसी में आप सवाल पूछते हो, उसी में डिप्रेशन में आकर के कोई अगर आपको माइक हटा देगा, या खुदा न खास्ते अगर गुस्सा में आकर के थोड़ा सा अगर हाथ ही उठा दे, क्योंकि आदमी का गुस्सा काबू में नहीं होता है, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो आप कहिएगा कि हमको मारा है, हमको माइक छीना गया है, हमको ये कहा गया है, हमको वो कहा गया है। तो दोस्तों आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, अच्छी बात है। और मैं हम आप लोग का बुराई नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप सोचेंगे कि मेरी बुराई कर रहे हैं आप, अगर बुराई अगर कर रहे होंगे ना तो आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।